व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड सबसे 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 पहले वेरी 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 सॉरी, हम क्षमा चाहेंगे। काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ सम वेरी मेजर रीजन। अब हर चीज़ को शेयर करना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, तो ये वाली चीज़ ऐसी कुछ है कि बहुत बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। और इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एंड अब ऊपर वाला जो करता है वो किसी ना किसी वजह से करता है, तो यही सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काम करना है, ज़िंदगी का नाम यही है, चलती रहेगी, चलना है, चलना है, चलना है। चलने चलने से याद आया कि जब हमने ये जर्नी शुरू करी थी, मैंने स्टार्ट किया था एक बाइक से जिसको मैं कहता था सिमरन, और काफ़ी लोगों ने उसको प्यार दिया। इनफैक्ट उसी ने हमें यहाँ पे स्टैंड दिया है कि आज हम जोया लेके अगर खड़े हैं आप लोगों के सामने, तो एक छोटा सा रोल प्ले हमारी सिमरन ने भी किया है। अब काफ़ी लोग बहुत टाइम के बाद हमसे जुड़े थे, उस टाइम हमारे पास सिमरन नहीं थी, तो यू नो आधे लोग सिमरन को जानते हैं, आधे लोग नहीं जानते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें आप सबके सामने वापस एक बाइक लाई जाए, वो बाइक हमारी अपनी, हम सब की, सिमरन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750 नोन एज सिमरन, ओन बाय मी इन द अर्ली एजेस ऑफ द व्लॉगिंग एरिना। बहुत हो गया, एक बार बाइक देखते हैं। पहली बार हम इस बाइक को चला रहे हैं आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे मित्र हिमांश जी। तो मैं ये बता रहा था कि मैं बहुत टाइम के बाद इस बाइक को आज चला रहा हूँ। सो दिस इज हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750 ब्लू कलर, दिस इज द फर्स्ट ब्लू कलर इन स्ट्रीट रॉड दिल्ली में। बाइक को मैंने चलाया था लगभग 9000 किलोमीटर, एंड उसके बाद ये मैंने सेल आउट कर दी थी। सेल आउट के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इसको चला रहा हूँ, बिकॉज ये कुछ काम के लिए आई थी, क्योंकि जो आपको इस में ये लाइट जलती हुई दिख रही है, इसमें कोई सेंसर है जो ख़राब हो गया, हमने चेक करवाया था, ड्यू टू विच
ये लाइट जल रही है तो मैंने सोचा इसको ज़्यादा दूर ना लेके जाया जाए, और फ्यूज़ या सेंसर जो चीज़ ख़राब है इसकी उसको आने में लगेगा काफ़ी टाइम, उस वजह से हम वेट कर रहे हैं कि पहले वो आ जाए तभी हम इसको बाइक को कहीं बाहर लेके जाएं, पता चले सीरियसली कोई और इशू हो, बिकॉज चेक सब कुछ करा लिया है, कोई इशू नहीं है, लाइट का ही इशू है बस, और ये लाइट उस ख़राब है वो चीज़ उस वजह से जल रही है। नेवरदीलेस हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर बाइक हमारे पास है तो क्यों ना आस पड़ोस में एक बाइक चला के राउंड काटा जाए और देखा जाए। इस बाइक में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने चेंज कराई थी अपने टाइम में जब मैं इस बाइक को चलाता था। एक थी इसका एग्जॉस्ट, ये कस्टम एग्जॉस्ट है, नॉर्मल जो एग्जॉस्ट होता है बाइक में वो नहीं है, एंड इसीलिए ये लाउड है, मतलब नॉर्मल किसी और बाइक का जो एग्जॉस्ट आप देखोगे उस ज़माने में जब ये मेरे पास थी, मतलब जब ये आई थी तब ले ली थी मैंने, तो दैट टाइम इसमें इससे लाउड एग्जॉस्ट नहीं आता था, और दिल्ली में लाउडेस्ट स्ट्रीट रोड थी मेरी। अब तो खैर मैं कह नहीं सकता कि है या नहीं, एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो नीले नीले आसमां के नीचे नीली नीली बाइक चल रही है, और नीली नीली बाइक के साथ मज़े ले रहे हैं हम इस ज़िंदगी के। इसमें लगा हुआ है यहाँ पे हैंडल बार राइज़र, इसको उठा रखा है बिकॉज कैफे रेसर है, तो कैफे रेसर की जगह मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा देखा कि इसमें और कंफर्ट लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते, तो मैंने ये हैंडल बार राइज़र लगा। इससे मैं बिल्कुल ही यू नो क्रूज़र वाले शेप में आ गया हूँ बॉडी पोस्चर लेके, और मैं लॉन्ग राइड्स बहुत आराम से कर सकता हूँ। और इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, बहुत बाइक्स इसके आस पास भी नहीं है, एंड बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। एंड इन टर्म्स ऑफ द पिकअप एंड ब्रेक्स, इस बाइक का कोई जवाब नहीं, बिकॉज मैंने ये बाइक जितना मीटर आप देख रहे हो उतनी चलाई है, बहुत सेफ एंड साउंड पिकअप उठाती है, भागती है, स्टॉप जब इसको करना होता है, रोकना जब होता है, इन द सेंस कि हमें ब्रेक मारना है, तो हार लेना इस मामले में थोड़ा सा ख़राब नाम लेके चलती है, क्योंकि आप जितने भी बाइकर्स ग्रुप में अगर किसी को जानते होगे तो एक बार फीडबैक लोगे इस बाइक के बारे में, नॉट पर्टिकुलरली दिस बाइक बट द हार्ले, तो आपको ये छोटा सा ड्रॉबैक मिलेगा कि कहीं ना कहीं पावर और ब्रेक्स में ब्रेक थोड़े कम रह जाते हैं इसके, लेकिन स्ट्रीट रोड में ब्रेकिंग इशू बिल्कुल नहीं है। डुअल डिस्क के आगे बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, बेहतरीन तरीके से रोकती है, इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बियर्ड बाइकर। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।